स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सेना भर्ती शुरू न करने को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर एसएफआई कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। एसएफआई का आरोप है कि सेना में भर्ती नहीं की जा रही है, करीब 2 साल से अधिक का समय हो गया है। बड़ी संख्या में विद्यार्थी और युवा उम्मीदवार अपने देश की सेवा करने और एक स्थिर करियर बनाने के लिए भारतीय सेना में नौकरी की तलाश करते हैं, भर्ती परीक्षा और शारीरिक परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं। इन उम्मीदवारों के जीवन में गंभीर संकट पैदा हो गया है, क्योंकि इनमें से कुछ मेहनती उम्मीदवार जो 2020-21 की भर्ती रैलियों के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे, वे अब ओवर एज हो गए हैं। एसएफआई के प्रदेश सचिव अमित ठाकुर का कहना है कि बेरोजगार युवाओं के साथ केंद्र की भाजपा सरकार धोखा कर रही है। सेना में भर्ती होने का सपना हर एक युवा देखता है, जबकि सरकार भर्ती ही नहीं करवा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा के लिए हर साल लाखों देश प्रेमी उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान करती है, जबकि सरकार अब सेना को भर्ती रैलियों के आयोजन की अनुमति नहीं दे रही है। अब इन छात्रों और युवा उम्मीदवारों को इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। कई उम्मीदवार सेना में जाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। एसएफआई ने अखिल भारतीय आह्वान पर सेना भर्ती को लेकर आज पूरे देश के अंदर हम लोग जो है ये धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, और ये धरना प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि लंबे समय से हमारे देश के अंदर जो सेना भर्ती की जो रैलियां होती है वो रैलियां अभी नहीं हुई है। इसीलिए एसएफआई ने एक आह्वान किया है कि पूरे देश के अंदर नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए ये जो भारतीय सेना में जो भर्तियां होती थी उसको लेकर जो हम लोग जो है ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो मुख्य मुद्दा इसके अंदर है, आप देखेंगे कि पिछले 2020-21 के लिए सेना भर्ती की रैली जो की थी उसका जो लिखित परीक्षा है वो अभी तक नहीं हुई है। लगभग 15 महीने हो गए हैं, 15 महीने का समय बीत जाने के बाद भी अभी तक इसकी जो लिखित परीक्षा नहीं हुई है। तो एसएफआई ये बार बार मांग कर रही है कि उस लिखित परीक्षा को भी जल्द से जल्द करवाया जाए। और इसके साथ साथ हम दूसरी ये भी मांग कर रहे हैं कि आप देखेंगे कि कई सारे जो रक्षा क्षेत्र है हमारे, उन रक्षा क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे कि काफी सारे पद जो रिक्त पड़े हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि सरकार जो रिक्त पड़े पद है उनको जल्द से जल्द भरे, ताकि जाके जो देश के अंदर आज जो युवा है, जो रोजगार युवा अपने रोजगार की तलाश के लिए जो इधर उधर भटक रहा है, आप देखेंगे कि काफी लंबे समय से इन भर्तियों को लेकर जो है अकेडमियों के अंदर जो है अलग अलग अकेडमियों के अंदर जो है छात्र नौजवान जो अपनी तैयारियां करता है वहां पे जो है लाखों लाख फीसें अपनी जो खर्च करने के बावजूद भी उन्हें जो है सेना में भर्ती होने का जो मौका जो सरकार नहीं दे पा रही है। और कोरोना काल के चलते जो आप देखेंगे कि 2-3 साल का गैप जो इसके अंदर हुआ है, तो हमने ये मांग किया है कि 2 साल का रिलैक्सेशन जो है भारतीय सेना की भर्ती के अंदर जो है सरकार को देना चाहिए, जिसके चलते जो है जो युवा जिनको जो है 2 साल का लॉस हुआ है वो जो है वो भी जो इस सेना भर्ती के अंदर जो अपना अपीयर कर सके। इन मांगों को लेकर जो हमने आज धरना प्रदर्शन